हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, और 2019-22 पार्ट टू का जो एडमिशन चल रहा है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम लोग जो 2020-23 वाले पार्ट वन का एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं, उनका 2 साल हो गया, उनसे ज़्यादा अन्याय किसी के साथ नहीं हो रहा है। 2020-23 वाले पार्ट वन का एग्जाम्स डेट तो छोड़िए, अभी फॉर्म भराने की डेट भी नहीं दिया है। जहाँ तक उम्मीद था कि 15 दिसंबर तक दे देंगे, लेकिन आज सुबह तक, आज तक अखबार तक भी उनके लिए कोई अपडेट नहीं आया। शाम तक देखिए कुछ देता है या नहीं, लेकिन हाँ, इसी मंथ में उनका कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगा। उन लोग भी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होइए, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स आते रहती है, देखता हूँ। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया जा रहा है, जो कि नहीं, सही नहीं है। साथ ही हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के में कि 2021-24 वाले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे, जहाँ तक उसके मदद हो सके करेंगे। तथा आप लोग जो भी 21-24 वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग वीडियो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा होने पर आपके लिए भी वीडियोज अपडेट देता रहूँगा हमेशा। जो भी अभी नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड स्वागत है, आपको ग्रैंड वेलकम करता हूं मैं कि आप चैनल से जुड़िए, और आगे अपडेट्स के लिए आप हमेशा, जैसा कि आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, कि हमेशा यहां पे ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है, हमेशा आपको अच्छी न्यूज़ और टाइम पे दिया जाएगा, सबसे पहले दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग 2019-22 सेशन वाले के लिए, जो कि पार्ट टू में एडमिशन हो रहा है। तो पार्ट टू में एडमिशन स्टार्ट है 13 दिसंबर से ही। कल 13 दिसंबर को इन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं रखा था, तो आगे चल रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम इस बार दे दिया है कि कॉलेज से वेरीफाई करवाना, तो सभी लोगों को कॉलेज से वेरीफाई करवाना पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि गर्ल्स लोग को कॉलेज जाने में थोड़ी परेशानी होती है, बहुत सारे गर्ल्स ऐसे हैं जो कि कॉलेज से बहुत ज़्यादा दूरी में रहती हैं, तो उन लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन आपने एडमिशन कराया, आपको ग्रेजुएशन करना है, तो कभी ना कभी जाना होगा, तो आप किसी तरह किसी मीडियम से आप जाइए, नहीं तो कॉलेज से कोई कॉन्टैक्ट हो तो वो लोग कर देंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रिस्क हो जाएगा कि अगले स्टेप में आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, कि यदि कॉलेज वाले बोलेंगे कि जब हमने नोटिस डाल रखा था कि आप कॉलेज से वेरीफाई करवा लें फिर पेमेंट करें, ऐसे आप पेमेंट करते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कम्युनिकेशन गैप का। यूनिवर्सिटी को आप पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन तो वो समझेगा कि पेमेंट हो गया है, फिर आगे का प्रोसेस में आपको हिस्सा लिया लेने दिया जाएगा, लेकिन कॉलेज वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप वेरीफाई करवा लें, क्योंकि उन्होंने डेट दे दिया उसमें नोटिस में कि कॉलेज वेरीफाई करवाने के बाद ही पेमेंट करें। लेकिन यदि आपको पास कोई साधन ऐसा नहीं है, आप कॉलेज जा ही नहीं सकते, एकदम रेयर कंडीशन में लास्ट है, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो देखते हैं अभी तो जो और 2021-24 के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए। जो कॉलेज से आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाता है, उसी में आपका एमयू आईडी पासवर्ड जो होगा उसी में होगा, फिर आप आगे करवाते रहिएगा। अब बात करते हैं हम लोग 2020-23 वाले के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 2020-23 वाले पार्ट वन का एग्जाम्स, जो कि बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं लोग। 2 साल खत्म, समझ लें 2022 आ जाएगा, इनका अभी पार्ट वन का एग्जाम्स फॉर्म नहीं भराया गया। वहीं पे हम लोग नोटिस की बात करें तो देखिए 11 दिसंबर को इन्होंने लास्ट नोटिस डाला था कि नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजी पार्ट वन सेशन 21-24। तो इस नोटिस के बाद, यानी कि 2021-24 वाले जो यूजी पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन, इसके बाद कोई नोटिस डाला ही नहीं उन्होंने। हम लोग को आशा था कि 15 दिसंबर तक आपके पार्ट वन जो 2020-23 वाले हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आएगा, आपके एग्जाम्स फॉर्म भरे जाने की डेट जरूर आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया इन लोगों ने। पता नहीं कहाँ उस सेशन को भूल ही चुका है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लोग जो पास का स्टूडेंट है, उसको हमने पहले भी बताया था और अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए जो वहाँ पे DSW डिपार्टमेंट, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर डिपार्टमेंट है मुंगेर यूनिवर्सिटी का, उसके पास जाइए, अपने सेशन के बारे में प्रॉब्लम्स को बताइए, फिर उन लोगों कुछ आगे काम को बढ़ाएंगे। उन लोग बहुत ही लेट से काम करते हैं। इससे पहले नोटिस की बात करें तो 9 दिसंबर को ही आया था नोटिस रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ द एरर ऑफ बेसिक डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट। ये भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो भी स्टूडेंट आपको करेक्शन करवाना हो, जैसे जो भी एरर हो गया आपके बेसिक डिटेल्स में, आपके नेम चेंज हो गया, फादर्स नेम चेंज हो गया, मदर्स नेम चेंज हो गया, कोई लेटर चेंज हो गया, कोई उसमें अल्फ़ाबेट चेंज हो गया, या क्या कास्ट चेंज हो गया, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, तो वो सारे बेसिक डिटेल्स को आप चेंज करवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटी जाना होता था सभी स्टूडेंट को, कुछ भी आपको एरर हो गया कॉलेज वाले हाथ खड़ा कुछ भी नहीं करते थे, यूनिवर्सिटी जाके करवाना होता था। तो अब मुंगेर हर आदमी जा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स भी रहती है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जाने में, तो अभी कॉलेज से ही आप करवा सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स भी आप करवा लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इन्होंने कॉलेज में दिया है कि कॉलेज से ही आप करवा सकते हैं। अब कॉलेज वाले किस तरह हैंडल करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, कितना आपको
दौड़ाते हैं वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा, पैसे का भी डिमांड करेगा, वो सब कॉलेज पे डिपेंड करेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले ने एक अच्छी काम किया है कि कॉलेज के हैंडओवर कर दिया, अपने अपने कॉलेज में अपने अपने एरर को, बेसिक डिटेल्स को ठीक कीजिए, ठीक है। उसके आगे तो आप जानते हैं 2022-19-22 वाला का जो नोटिस आया हुआ था, तो अभी पार्ट वन एग्जाम्स के से रिलेटेड आज सुबह तक ना ही कोई अखबार में कोई न्यूज दिया है, ना ही तो इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस डाला है। अब देखते हैं आगे, इसी वीक में आपके कोई ना कोई नोटिस आने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इस मंथ के पहले पहले आपको लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपको नोटिस जरूर आएगा, आप विश्वास करिए, और नोटिस आना ही चाहिए, क्योंकि कि बहुत ज़्यादा, कितना इंतज़ार कर सकता है वो लोग, अब इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया है कि 2 साल खत्म होने का हुआ, अभी उनका ना ही तो फॉर्म फिल करने का डेट दिया, ना ही एग्जाम्स का डेट दिया। एग्जाम्स मान लेते हैं इन लोग असाइनमेंट वेस्ट करा के समय पे करा दिया, बिना असाइनमेंट वेस्ट का एग्जाम्स ये लोग करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना असाइनमेंट वेस्ट एग्जाम्स कराने का मतलब है कि एग्जाम में 3 महीने का समय, 1 महीने का तो आपका रूटीन रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, 1 महीने का तो रूटीन रहता है, उस भी लगातार 1 महीने का कहीं एग्जाम्स नहीं होता है, क्योंकि उसके बीच में संडेज होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, कोई ना कोई फेस्टिवल्स होता है, 1 जनवरी ऐसे वगैरह आ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। तो इस तरह से आपके डेट्स आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है कि आ जाए, और आ भी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो गया, आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं इन लोग, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही अपडेट्स आएंगे आपके लिए अपडेट कर देंगे। आप लोग एक काम करिए, यूनिवर्सिटी पे जाके उन पर प्रेशर दबाव बनाइए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप चैनल से जोड़ने का कोशिश कीजिए, तो उससे हम क्या ट्विटर ट्रेंड करवा सकते हैं, लेकिन ट्विटर ट्रेंड करवाने के लिए कम से कम तो आपको 1000 से 1500 स्टूडेंट तो चाहिए ही, कम से कम इतने सिर्फ आपके 2020-23 सेशन वाले होंगे तभी कुछ हो पाएगा, सभी सेशन मिला के तो ज़्यादा ही स्टूडेंट हो जाते हैं, लेकिन जो 2020-23 वाले सेशन का है वही ट्वीट करेंगे, अदर सेशन वाले बहुत कम ट्वीट करेंगे, उसमें भी कि सारे स्टूडेंट आपका खुद का ही सेशन वाले ट्वीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कोई को ट्विटर ही नहीं आता होगा, बहुत कोई समझेंगे अपने काम में बिजी हैं, बहुत कोई ऐसे भी हैं जो कि 12th करके कम्पिटेटिव का एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा चैनल से या तो जोड़िए या फिर यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पर दबाव बनाइए, तभी आपके लिए कोई काम पॉसिबल बन सकता है। अब 2021-24 वाले जो हैं उनके लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपसे अपडेट हमेशा देता रहूँ मैं आपके लिए। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है कॉलेज से, आप अपना स्लिप ले लीजिए रजिस्ट्रेशन का, वहाँ से आपको MU ID जो होता है और पासवर्ड होता है वो मिल जाएगा, और बारीकी से आप अपना डिटेल्स, बेसिक डिटेल जो भी आपके नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, जितने भी बेसिक डिटेल्स है उसको आप बेसिक से देखिए, बारीकी से अच्छे से मिलाइए, कोई भी लेटर स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए, वो होता है तो अभी ठीक करा लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो आईडी कार्ड होता है, कॉलेज आईडी कार्ड, वो आना है, वो कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करेंगे, ये सारे डिटेल्स आपको बताया जाएगा, और जो भी कम आपको प्रॉब्लम्स होती है आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, सभी का कमेंट्स को हम रिप्लाई देने का भरपूर कोशिश करते हैं, और सभी का रिप्लाई मिलता ही है, जैसा कि आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं पहले से जो जुड़े हुए हैं, तो आपको दिया जाएगा। और वहीं पे 2019-22 पार्ट टू में एडमिशन जो करा रहे हैं, पार्ट टू एडमिशन जो करा रहे हैं उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियोज़ के नीचे कमेंट कीजिए, आपको भी सॉल्व किया जाएगा, आपको कॉलेज जाके वेरीफाई करवाना है एक बार, और फिर आपको फॉर्म ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, आपका फ़ी वही लगना है जो पहले लगता है, गर्ल्स का कोई फ़ी नहीं है, SC ST का भी कोई फ़ी नहीं है, SC ST वाले भी कोई फ़ी नहीं देंगे, गर्ल्स भी कोई फ़ी नहीं देंगे। अब देखिए कोई फ़ी गर्ल्स का नहीं लग रहा है फिर भी कॉलेज से वेरीफाई करवाने के लिए बोला जा रहा है, यानी आपको वेरीफाई इसलिए करवाना पड़ेगा कि आपका बेसिक डिटेल्स छोड़ तो वो चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके रिजल्ट जो है वो आप पास है या नहीं, वही सब चेक करेंगे, ऐसे रिजल्ट कौन फेक बनाता है, यूनिवर्सिटी जो दिया है उसी से तो पता चलता है कि आप पास हैं या नहीं पास हैं, तो वैसे पास करवा के आप पार्ट टू में एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे आप लोग भी, तब जाके डेट दिया है, तो आप वेरीफाई करवा लीजिए और एडमिशन करवा लीजिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है पार्ट टू वाले के लिए कि आप पहले एडमिशन करवा लें, अब 20 तारीख से पहले पहले तक एडमिशन जरूर करवा लें, चूँकि लास्ट में आपके वेबसाइट जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का है वो वेबसाइट वर्क ही नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगा, और जब वेबसाइट ओपन नहीं होगा लोड बढ़ने से, तो यहाँ पे सिर्फ 8000 स्टूडेंट ही एक साथ एक्सेस कर सकता है, उसमें समझिए कितना सारा सेशन है, 8000 स्टूडेंट में 18-21 सेशन है, 19-22 सेशन है, 20-23 सेशन है, 21-24 सेशन है, और उसके बाद बहुत सारे
स्टूडेंट इसको एक्सेस करते हैं, कैफ़े वाले करते हैं, हम लोग यूट्यूबर लोग करते हैं, फिर पेरेंट्स लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इसको जो पहले पास है पीछे पास है सब एक्सेस करते रहते हैं। तो 8,000 स्टूडेंट से ज़्यादा इस पर लोड होता ही नहीं, ये भी मैक्सिमम लिमिट है, यानी इससे कम ही स्टूडेंट का एक साथ हो पाता है। तो आप लोग भी पहले एडमिशन करा लीजिएगा, इसको थोड़ा लेजी से नहीं लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन करा लीजिएगा तो आपका टेंशन फ्री हो जाएगा, नहीं तो फिर से आप बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ेगा, फिर डेट नया देगा या नहीं देगा। ऐसे पार्ट टू का एडमिशन है तो इसमें डेट तो आपको न्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट सेशन रहता है तो उसमें यूनिवर्सिटी का इनकम बनता है, इसलिए नया सेशन वो डेट दिया जाता है। तो इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और चैनल से जुड़ सकते हैं पल पल के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।